बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 14 जून साल 2020 ये वो तारीख है जब सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा वाले फ्लैट में मृत पाए गए। उनके मौत के पीछे की वजह आत्महत्या थी या फिर हत्या, अभी तक कोई ये गुत्थी सुलझा नहीं पाया है। अब जो कि ये केस सीबीआई के हाथों में आ गया है, इसलिए आए दिन कथित नए नए दावे और खुलासे हो रहे हैं। अब जो कि रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत लिव इन में रहते थे, इसलिए उनकी मौत के बाद डे वन से रिया शक के घेरे में है। एक तरफ रिया चक्रवर्ती पर कई सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं उन पर सुशांत को सुसाइड के लोग साने, उनकी संपत्ति को हड़पने और ड्रग्स देकर मारने की साजिश को अंजाम देने जैसे कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। अब इन कथित आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट के फैसले से साफ होगा, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर इंग्लैंड के क्रिकेटर जोफ्रा आर्चर का 6 साल पुराना एक ऐसा ट्वीट वायरल हो रहा है जिसे आज की तारीख में रिया चक्रवर्ती से जोड़कर देखा जा रहा है। क्रिकेटर जोफ्रा आर्चर से रिया चक्रवर्ती का कोई कनेक्शन है या नहीं ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन उनके 6 साल पुराने ट्वीट को रिया का वर्तमान बताया जा रहा है। रिया को लेकर जोफ्रा आर्चर ने क्या ट्वीट किया ये तो ये बताने से पहले आपको ये जानना जरूरी है आपका कि क्रिकेट के मैदान पर जोफ्रा आर्चर जहां विरोधी टीम के बल्लेबाजों को पस्त कर देते हैं, तो वहीं ट्वीट्स के चलते लोग उन्हें टाइम मशीन से लेकर भविष्यवक्ता बुलाने लग गए हैं। जी हाँ, आर्चर की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड टीम ने 2019 के विश्व कप में जीत हासिल की थी। उन्होंने विश्व कप के 11 मैचों में कसी हुई गेंदबाजी की और कुल 20 विकेट चटकाए। फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, वहीं आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से मैदान में उतरेंगे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आज दुनिया जिस कोरोना वायरस महामारी से त्रस्त है उसकी भविष्यवाणी आर्चर ने साल 2014 में ही कर दी थी। जी हाँ, बीते कुछ सालों में किए गए उनके ट्वीट्स आज हकीकत का रूप ले रहे हैं। उन्होंने साल 2014 में ट्वीट किया था, देयर विल बी नो प्लेस टू रन, दैट डे विल कम, मतलब भागने के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, वो दिन आएगा। अब लोग उनके इस ट्वीट को कोरोना वायरस से जोड़कर देख रहे हैं। ठीक इसी तरह साल 2014 में ही आर्चर ने एक और ट्वीट किया था, रिया एंड टेसल, और उनके इस ट्वीट को लोग सुशांत की मौत और रिया से जोड़कर अब देखने लग गए हैं। अब टेसल को आम भाषा में लटकन कह सकते हैं, या फिर यूँ समझें कि किसी चीज़ को एक ढीले गार्ड से बांधे जाने वाला कोई रेशमी गुच्छा। अब इस ट्वीट में रिया लिखा हुआ है और टेसल को सुशांत की फांसी के फंदे से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल आर्चर का ये ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है और कई ट्विटर यूजर्स का ये कहना है कि उनके पास टाइम मशीन है तो कोई उन्हें अपनी शादी के बारे में पूछ रहा है, तो कोई उनसे भारतीय क्रिकेट के भविष्य के बारे में पूछ रहा है। बहरहाल आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2019 के वर्ल्ड कप को लेकर भी उनके कई ऐसे ट्वीट्स हैं जिन्होंने बाद में हकीकत का रूप लिया। जैसे 14 अप्रैल 2013 में उन्होंने ट्वीट किया था 16 from 16। अब उनके इस ट्वीट को वर्ल्ड कप के संदर्भ में देखें तो न्यूजीलैंड को जीत के लिए 16 रन बनाने थे, हालांकि 15 रन ही बना सकी और मुकाबला टाई हो गया। तो जोफ्रा आर्चर के इन वायरल ट्वीट्स को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।